फिर मजा नहीं आता। फिर भगत सिंह को आप क्या कहेंगे? देश के लिए जो लड़ना चाह रहे हैं आज 2023 में, उनको आप कंट्रोवर्सी कहेंगे? आप उनको 70 करोड़ जेल में 26 महीने के लिए बंद कर दोगे, उसके बाद भी वो बैठे हैं ना इधर, आज लोग बुला रहे हैं उनको। मैं हक के लिए आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। मैं इनके लिए सपोर्ट क्या हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और इनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी मैं पहुँचाऊँगा, यही सच है। आगे, आगे। और दिखाई उन्हें नहीं दे रहा है, हमारा देश अंधा होते जा रहा है, उन्हें तो अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि धर्म का धंधा है और बंदा उसमें अंधा है। अंधे मत होइए, आँख खोल के देखिए, धर्म का चश्मा उतार के देखेंगे तो ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। तो प्लीज़ आप लोगों का बहुत सपोर्ट लगेगा मीडिया का इस देश को बदलने में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बच्चे आपके भी है छोटे छोटे, उनका भी फ्यूचर है आगे, आप क्या कर रहे हैं वो आपके बच्चों को भुगतना है। सर और बताइए कि किस तरह से अभी जो मैच है तो उसमें जो एम्पायर होंगे या कुछ लोग आएंगे, उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे? अभी तो पूरा हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उन्होंने पूरा प्लान बनाया है, बहुत लंबे से लोग आ रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। अभी तक हम लोग इंटरनेशनल 127 मैच खेल चुके हैं और नेशनल लगभग 500 मैच खेल चुके हैं। अभी पीछे व्हीलचेयर आशा जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश नेपाल इंडिया पाकिस्तान ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, अपनी इंडिया की तरफ से रमेश जी वहाँ पर रिप्रेजेंट करे थे एज ए कैप्टन करके। BCCI ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो ये अपनी टीम बहुत आगे जाने वाली है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। हर बार एक ही बात बोली जाती है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म बनाइए, एक साथ आइए, लेकिन उनके पास बार बार जाके भी वो लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात, गवर्नमेंट के जो रूल्स है कि 5% डिसेबल के लिए देना चाहिए, तो 5% अगर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी पकड़े उनके बजट में से तो कितना होता है। आज अपनी पोजीशन ऐसी है कि रमेश जी अपने कैप्टन है, उनको अच्छी व्हील चेयर नहीं है खेलने के लिए, अपनी जो टीम है उनके लिए अच्छी जो इंटरनेशनल लेवल की व्हील चेयर चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसे अपने प्लेयरों के पास भी नहीं है। तो ये सब गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, BCCI ने भी देखना चाहिए। ये हम लोग ये सब जो सब मिला के ये जो मैचेस यहाँ पे पूरे डिसेबल के रख रहे, ये हम वर्ल्ड को दिखा रहे कि इंडिया क्या कर सकता है। हालांकि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के टप का है, BCCI के जो फाउंडेशन है वैसे हमारी दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के और वर्ल्ड के अंदर अपने BCCI के अंडर ही अपन ने ये दिव्यांग लोगों का मैचेस स्टार्ट किया था, ये अपनी ही शुरुआत की थी वर्ल्ड में। और आज अपन इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे, सिखा रहे कि चलो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। ये जो आज कॉमन मैचेस हमने लेके डिसेबल के हम दिखाना चाह रहे वर्ल्ड को, या मुंबई को भी, या महाराष्ट्र को भी, या वर्ल्ड को भी, कि हम खेल सकते हैं, हम कर सकते हैं। और लेडीज वुमेन्स भी अपने इसमें आ गई है, अभी स्टैंडिंग खेलेंगे, अभी व्हील चेयर के भी उनकी टीम बन रही, ये बहुत बड़ी बात है। और ये लोगों में जन जागृति होना चाहिए, इनके पीछे गवर्नमेंट ने भी, आप सब लोगों ने भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, और इनका लाइफ कैसे सेटल हो, ये इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आ रहे हैं, उनको अपन सब लोगों ने हेल्प करना चाहिए, ये मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ। मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोग मुझे जहाँ जहाँ बुलाओगे मैं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और कल मेरी तरफ से गेटोरेट और पानी अल्लाह के बंदे की तरफ से हम लोग लेके आएंगे आपके लिए, कि जितने लोग खेलेंगे उनको ग्लूकोज कम नहीं पड़े, उनको एनर्जी कम नहीं पड़े, उसके लिए गेटोरेट और पानी हम लोग लेके आएंगे। मेरा तो रोज़ा होगा लेकिन मैं आपके साथ खड़े रहकर ये बांटता रहूँगा। श्योर, अभी पहले से पहले मैं थोड़ा ये नहीं ये पहले कहना चाहती हूँ कि मैं खुद दिव्यांग स्कूल, हमारे कर्णबधिर बच्चे जो है उनके मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे यहाँ 184 स्टूडेंट्स अभी हैं स्कूल में। तो दिव्यांग क्या है ये मुझे बहुत मालूम है, क्योंकि 33 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे ये अपने लोग लगते हैं सब, ये भी वो भी कोई भी अपने ही दिव्यांग। तो उनके लिए कल अभी सचिन तेंदुलकर जिमखाना में हमने मैच रखी है, और प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि हमें किसी से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो ग्राउंड मिला, लेकिन 9 और 10 तारीख को हमें मालूम नहीं था कि कल गुड़ी पड़वा है करके, और 11 तारीख को रमजान ईद है करके।
तो उसके कारण थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि पॉलिटिशियन थोड़े पीछे हो गए, आचार संहिता भी लगी थी, तो थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिलने में बहुत सारी तकलीफें हमें आई है। फिर भी हमने जिद करके हम बोले नहीं रखने तारीख 9-10 ना, 9-10 हम करेंगे ही। तो बहुत सारे ऐसे, मैं जैसे बोलती हूँ कि हम लोग कर्णभद्रियों के देवदूत है, वही तो ना, लेकिन हम देवदूत है ना, तो हम करेंगे उनके लिए मैच पक्का। तो ऐसे हमें भी और सारे 20,000-10,000 ऐसे देने वाले भी सपोर्टर्स मिले हैं, तो हम करने वाले हैं पक्का मैच, नो प्रॉब्लम। तो महिलाओं के लिए अभी विशेष है, क्योंकि खुद मैं भी पहले ऐसे महिलाओं की मैच देखती नहीं थी, क्योंकि IPL देखती हूँ, मजे से देखती हूँ, मुंबई इंडियंस कल जीते हैं उसकी खुशी है, लेकिन अभी महिलाओं के मैच भी देखना मैं चालू करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी महिलाओं के प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। बोर्ड में काफ़ी सालों से बीइंग CEO, मैं काफ़ी सालों से इस बोर्ड के साथ में जुड़ी हुई हूँ, और सभी फॉर्मेट्स के हम अब क्रिकेट देख रहे हैं, और व्हीलचेयर क्रिकेट, स्टैंडिंग क्रिकेट, डेफ एंड डम, ब्लाइंड वूमन क्रिकेट भी, तो ये सब कुछ मैं ही मैनेज करती आ रही हूँ, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से हैंडल होता है, सबका साथ रहता है। और ये टूर्नामेंट के लिए मैं ख़ास करके मुंबई कार से जितने भी लोग हैं मुंबई के, मैं उन सभी लोगों से अपील करती हूँ कि एक बार आप आके दो बॉल का मैच देखने के लिए आइए। आई एम गारंटिंग यू कि आप पूरा मैच ख़त्म होने से पहले नहीं जाएंगे, इनफैक्ट आप पूरा टूर्नामेंट इंजॉय करेंगे। तो ये सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। गजल मैम, इन सबको एक छत के नीचे लाना कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज ये फिजिकली चैलेंज्ड है, तो इसके अलावा इन लोगों को सफ़र करना पड़ता है बहुत लंबा, जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि पूरे इंडिया से हर जगह से हमारे प्लेयर्स आए हैं, तो उन लोगों को ट्रैवल करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। फिर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए फ़ंड का अरेंजमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, फ़ंड का अरेंजमेंट, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। तो हालांकि इस टूर्नामेंट के लिए इतना बड़ा सहयोग किसी से नहीं मिला है, लेकिन बावजूद इसके भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने, रमेश सर ने, तलवारे जी और वर्तक मैम ने, इन लोगों ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए इस टूर्नामेंट के लिए, और जो कुछ भी ये बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो किया है। थैंक यू।